गाइस अगर आपको अपने लैपटॉप या पीसी में फोटो एडिटिंग करनी है तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक अच्छा फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिससे आप अपनी फोटोज को एडिट करेंगे राइट। लेकिन यार आजकल अच्छे सॉफ्टवेयर फ्री में मिलते कहाँ पर है, इसके लिए तो आपको उन्हें परचेज करना पड़ता है। बट इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 बेस्ट फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिनका यूज करके आप एक अच्छी फोटो एडिटिंग कर सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है। इसी के साथ आपको किसी भी तरह का कोई वाटरमार्क भी देखने को नहीं मिलेगा। इन सॉफ्टवेयर में आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स और इफेक्ट्स जिनका यूज करके आप अपनी फोटो एडिटिंग को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज नंबर 1 पर हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है पिक्सआर्ट फोटो एडिटर। गाइज पिक्सआर्ट बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिससे आप अच्छी फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पिक्सआर्ट फॉर पीसी। अगर आप डायरेक्टली पिक्सआर्ट सर्च करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि पिक्सआर्ट नाम से एंड्रॉइड ऐप भी अवेलेबल है, आपको पता होगा। अब देखिए 2nd नंबर पर जो वेबसाइट है ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये सॉफ्टवेयर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर भी मिल जाएगा तो वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं filewrkz.com, यहां पर आपको डायरेक्टली डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। तो यहाँ पर आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। एडिटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स और इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आप इमेज की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रेस्ट और कुछ इफेक्ट्स ऐड करके उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे टूल्स और फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिनका यूज करके आप एक प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। गाइज नंबर 2 पर हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है क्रीटा फोटो एडिटर। गाइज क्रीटा इज वन ऑफ द बेस्ट फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिससे आप प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली गूगल पर जाकर सर्च करना है क्रीटा डेस्कटॉप। यहाँ पर आपको क्रीटा डेस्कटॉप नाम से एक साइट मिलेगी जिसे आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पर आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं, काफी कूल इंटरफेस है। गाइज ये सॉफ्टवेयर मुझे लिटरली बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ही प्रीमियम है और बिल्कुल फोटोशॉप जैसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि इसे यूज करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप सीख सकते हैं। एक बार अगर आप सीख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं अलग अलग तरह के। अगर आप इस टूल बार को देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल फोटोशॉप की तरह ही लगेगा। पॉइंट की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर फोटोशॉप का एक बेस्ट अल्टरनेटिव है लेकिन फ्री है, तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। गाइज नंबर 3 पर हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है GIMP फोटो एडिटर। गाइज GIMP एक बेस्ट फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके आप एक अच्छी फोटो एडिट कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है GIMP डाउनलोड। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी तो आपको इसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ये सॉफ्टवेयर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर भी मिल जाएगा तो वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। तो यहाँ पर आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर साइड में आपको फोटोशॉप की तरह ही लेयर्स देखने को मिलेंगे। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। टोटल जितने फीचर्स आपको चाहिए सब मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिनका यूज आप अपनी फोटो एडिटिंग में कर सकते हैं। वैसे काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं। गाइज नंबर 4 पर हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है फोटोस्केप फोटो एडिटर। गाइज फोटोस्केप बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है फोटो एडिटिंग के लिए। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली किसी भी ब्राउजर पर आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है फोटोस्केप डाउनलोड। अब आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है softnik.com। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ये सॉफ्टवेयर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर भी मिल जाएगा तो वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज इसके इंटरफेस की बात करें तो इसका इंटरफेस काफी प्रीमियम लग रहा है। इसमें आप अपनी फोटोज को इम्पोर्ट करके एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें अलग अलग तरह के इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। इसका यूज करने के लिए आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। इसके टूल्स और इसके फीचर्स के बारे में आपको थोड़ा जानना होगा, उसके बाद आप प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। वैसे फोटो एडिटिंग के लिए काफी तगड़ा सॉफ्टवेयर है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें। गाइज लास्ट एंड फाइनल जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है फोटोफिया फोटो एडिटर। गाइज इस फोटो एडिटर को आपको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने वेब ब्राउजर में इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है
फोटोफिया, बस इतना ही कर देना है। यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा फोटोफिया ऑनलाइन फोटो एडिटर, इसे आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी फोटो को इम्पोर्ट करना है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। इम्पोर्ट करने के बाद आप अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर आपको कुछ इफेक्ट्स और फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जिनका यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पर साइड में आपको फोटोशॉप की तरह ही टूल्स देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पर आपको लेयर्स देखने को मिलेंगे। गाइज मुझे तो ये काफी अच्छा लगा क्योंकि डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूज करो। वैसे गाइज कोई भी फोटो एडिटर हो, फ्री हो या पेड, आपको उसे सीखना होगा। अगर आप डायरेक्टली फोटो एडिटिंग करने बैठेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको पहले सीखना होगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। सो गाइज ये थे टॉप 5 बेस्ट फ्री फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स जिनसे आप फोटोशॉप की तरह ही फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।